उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश टाइप राइटर और फर्नीचर दोनों ही परचेज करना है 1 जनवरी को। कंपाउंड एंट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, देन टाइप राइटर भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि दोनों की परचेज है। टाइप राइटर अकाउंट डेबिट और टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमको पहचान होना कि कौन सा एक्सपेंसेस है और कौन सा इनकम है, एसेट्स कौन से हैं, लायबिलिटीज कौन से, ये सारी चीज हमको अंडरस्टैंड होने चाहिए, ठीक है। अब टू में क्या चला यहाँ पे कैश अकाउंट, जब तक सभी को इनकम एक्सपेंसेस एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो जनरल एंट्री का कोई भी अकाउंट को क्रिएट नहीं कर सकता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज 5000 जो बना लिया है वो मैच कर लेगा जनरल एंट्री और मेजर को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 5 जनवरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। यस या नो, वाइस आ गई मेरी सभी के पास? यस मैम आ रही है, आ रही ना यस मैम। अब यहाँ पे 6 नंबर, यस मैम, गुड्स टू गोविंदा, क्या जनरल एंट्री बनेगा? सोल गुड्स टू गोविंदा, गोविंदा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गोविंदा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। इसके बाद ठीक है, यानी कि 6 जनवरी नेक्स्ट कॉलम हम यहाँ क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा सोल्ड गुड्स टू गोविंदा, गोविंदा टू सेल्स अकाउंट। डेट वाइज आप मेंशन करोगे यहाँ पे जनवरी 6 गोविंदा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ये क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैश लेन देन नहीं है। 8000 डेबिट 8000 क्रेडिट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 10 परचेज गुड्स फ्रॉम प्रेम चोपड़ा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ट्रांजेक्शन है जनवरी 10 का। प्रेम चोपड़ा डेबिट हो जाएगा, प्रेम चोपड़ा डेबिट टू सॉरी परचेज गुड्स फ्रॉम प्रेम चोपड़ा, देन प्रेम चोपड़ा आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि परचेज ऑलवेज सेट डेबिट है यहाँ पे। परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रेम चोपड़ा, क्लियर है। आप सभी को कोई डाउट है? उसके बाद है आपका रिटर्न गुड्स टू प्रेम चोपड़ा, उनको ये देखना है कि प्रेम चोपड़ा ने जब परचेज किया है कि सेल्स किया है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्रिएट करना है, ठीक है। 10 जनवरी को प्रेम चोपड़ा ने क्या क्या परचेज किया है और प्रेम चोपड़ा ने नेक्स्ट 12 जनवरी को रिटर्न करना, मतलब उन्होंने परचेज किया था तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा परचेज रिटर्न हो जाएगा जनवरी।
कितना रिटर्न करेगा जब उन्होंने 10 जनवरी को परचेज किया 10,000 और रिटर्न कितना करना है 2,000 रिटर्न अमाउंट 2,000 क्लियर है कॉपी में सॉल्व करके रखो इसको जिन्होंने नहीं बनाया है आयुष ठाकुर मौली शर्मा अभिषेक नेक्स्ट टर्म देखता है आपका गुड्स रिटर्न बाय गोविंदा अब देखो गोविंदा ने सेल किया था 6 जनवरी को यहाँ पे रिटर्न करना है 15 जनवरी को रिटर्न करना है यहाँ पे सेल्स रिटर्न होगा जब सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज सेल्स क्रेडिट बहुत सुंदर है ठीक है गुड्स रिटर्न बाय गोविंदा सेल्स रिटर्न देखो गोविंदा यहाँ पे 1,000 रिटर्न है आगे के जनरल के आप लोग कॉपी में बनाओगे उसके बाद हम मेजर क्रिएट करेंगे यहाँ तक सभी का क्लियर है 20 जनवरी गोल्ड बुश को नाम खोल दिया यहाँ पे हमको नाम को प्रायोरिटी नहीं देना कैश से रिलेटेड है गोल्ड बुश बोल रहा है कैश अकाउंट नीड टू सेल्स अकाउंट 25 जनवरी लेटर ऑफ बुश फॉर पर्सनल यूज क्या आता है पर्सनल यूज में ड्रॉइंग अकाउंट नीड टू कैश अकाउंट ठीक है क्लियर है टोटल अमाउंट आपका 99,500 आना चाहिए इसके बाद आप लेटर क्रिएट करोगे पोस्ट देन बोला है मतलब यहाँ पे जितने भी जनरल इसी और के बनाया है सभी का जनरल एंट्री का एक एक पर्टिकुलर अपना सेपरेट अकाउंट बनेगा कैश हो सकता है कैपिटल हो सकता है परचेज है डायरेक्टर है बुक्स है कैश है सेल्स है परचेज रिटर्न है सेल्स रिटर्न है राम है कैश है ड्रॉइंग है क्लियर लेजर बन जाएगा किसी को डाउट है लेजर में नो मैम अरे बारिश के लिए तो जाऊंगा नहीं जिनका बन गया वो मुझे लाइव शो भी कर सकता है मैं अभी दिखाऊं हाँ दिखा दो जिनका कंप्लीट है यस मैम मैम देख लो वन मिनट ठीक है वेरी गुड पूरा कंप्लीट है ठीक है और बाकी का अभिषेक है मौली है आयुष है चलो ठीक है गुड प्रीत आप देखो ये लेजर चैप्टर में तो आई थिंक मुझे किसी को डाउट नहीं लग रहा है तो लेजर चैप्टर हम क्लोज करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है लेजर बनाना तो सभी को आ चुका है ठीक है क्वेश्चन इसमें बाकी तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 का जनरल एंट्री बताओ सबसे फर्स्ट क्या बनेगा जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पोस्ट पेड इनटू लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट तो जनरल एंट्री दलीप कुमार कमेंट्स बिजनेस विद कैश कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल परचेज गुड्स फॉर कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम अजय परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट ये इम्पोर्टेंट है कि अजय ने सबसे फर्स्ट 3 जनवरी को परचेज किया है उसके बाद 5 जनवरी को उन्होंने फुल यहाँ पे 5,000 का परचेज किया है क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए पेज नंबर 123 जिनके पास बुक अवेलेबल है देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट बोला इसका क्या ट्रांजेक्शन बनेगा
क्या ट्रांजेक्शन बनेगा बताओ? मैम अजय डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालेंगे? हम लोग 5000 उन्होंने क्या किया था, परचेज किया था और पे कितना कर रहा है 4950, 50 रुपए डिस्काउंट है, क्लियर। उसके बाद 10 जनवरी सोल्ड गुड्स टू प्रकाश, प्रकाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 12 जनवरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रकाश एंड डिस्काउंट अलाउड, रिसीव्ड कैश हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू प्रकाश, क्लियर है। 15 जनवरी रिसीव्ड फ्रॉम कमीशन, क्या रिसीव्ड हुआ यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्लियर है। 20 जनवरी का क्या बनेगा, 20 जनवरी अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल, अरुण 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला है यार, डिस्काउंट निकाल के हमको बनाना है, क्या बनेगा जनरल एंट्री, अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, कितना दिया हुआ यहाँ पे 4000 का 10% कितना आया 400 माइनस करके लिखेंगे 3600, ठीक है, जब एंट्री करेंगे तो अरुण डेबिट टू सेल्स बनेगा, क्लियर है सभी को? यस मैम। क्या बनेगा बताओ? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल, देखो कभी भी नेम के आगे अकाउंट नहीं ऐड करोगे, ठीक है, टू कैश अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका 25, विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यस मैम। पेड फॉर रेंट, पेड फॉर सैलरी, क्या ट्रांजेक्शन बनेगा, 30 और 31 हाँ, फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। उसके बाद आप क्या करोगे, सभी का सेपरेट सेपरेट लेजर अकाउंट क्रिएट करोगे, लेजर में किसी को डाउट है, लेजर अकाउंट में, लेजर बनाने में किसी को कोई डाउट है, लेजर बनाने में डाउट है किसी को, डाउट है लेजर बनाने में, नहीं है मतलब सर से लेजर बन जाएगा, ठीक है। तो लेजर चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया आज, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है सब्सिडरी बुक 1। सबसे पहले कैपिटल का लेजर बनाओ इस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लेजर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जनरल एंट्री तो बना लिया हमने, अब हम लेजर क्रिएट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। जिन्होंने बना लिया है व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे सेंड कर दोगे, ठीक है। चलो लेजर बनाते हैं, सभी को लेजर मालूम है, सबसे पहले हम कौन सा लेजर बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं, कैपिटल तो एक ही ट्रांजेक्शन होता है, कैपिटल में कैपिटल अकाउंट कॉलम क्या रहता है,
जाएगा सभी से। यहाँ हम लिखेंगे लेफ्ट साइड डेबिट और क्रेडिट साइड क्रेडिट, ठीक है। डेट डेट पर्टिकुलर ये है अमाउंट डेट सेम अमाउंट। डेबिट साइड फोर कॉलम है तो आपकी क्रेडिट साइड भी बहुत सेम साइड अमाउंट कॉलम बनेगा। पर्टिकुलर ये अमाउंट क्लियर है। कैपिटल है सबसे पहले तो हमको सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन क्या था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये यहाँ पे डेट वाइज दिया है इसलिए डेट वाइज बन जाएगा आपका जनवरी फर्स्ट 2006। यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी फर्स्ट 2 से स्टार्ट होता है। हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल अमाउंट कितना दिया हुआ है फर्स्ट का 60,000 अमाउंट यहाँ लिखो आप 60,000। ये हमारा यहाँ पे लेजर बकेट इधर लिखने की जरूरत होता नहीं है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अकाउंट जब बनाओगे कैसे अकाउंट बनाते हैं तो इसको यहाँ से कॉपी में भी बनाया तो इरेज कर देना। यहाँ पे आप लिख देंगे कैसे अकाउंट सेम कॉलम बनेंगे। डेबिट साइड भी वही कॉलम है क्रेडिट साइड भी वही कॉलम है, ठीक है। चलो बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट हम। यस क्लियर है। सेम नेम तो वही रहेगा आपका जो चला आ रहा है। बना देते हैं यहाँ पे हम डेट पर्टिकुलर बिल्कुल कॉलम याद हो जाना चाहिए आप लोगों को रट्टा, क्योंकि विदाउट कॉलम में नहीं बनेगा अकाउंट। जब आपको कॉलम याद है मतलब आपसे प्रैक्टिकल बन जाएगा, ठीक है। कई बच्चों का क्या होता है प्रैक्टिकल तो आता है लेकिन कॉलम भूल गए कि अरे इस क्वेश्चन में कॉलम कैसे बनेगा, तो बार बार प्रैक्टिस करके कॉलम याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आप गैप्स बना रहे हमारे क्वेश्चन जनरली आप ओपन करके रखो जहाँ पे आपने बनाया गैप्स कहाँ कहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट जनवरी को गैप्स साइड है तो गैप्स अकाउंट बना रहे हैं सबसे पहले हम। सॉरी फर्स्ट मिनट गलत है ये यहाँ टू कैपिटल नहीं आना चाहिए कोई बताए कि नहीं क्यों सो गए सब लोग कहाँ गए सब कोई एक तो गया। यस मैम कैसे बनेगा कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस क्रॉस डाउन मैम डेबिट मैम डेबिट साइड टू कैश अकाउंट आएगा क्यों क्रेडिट साइड क्रेडिट क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड कैश अकाउंट आएगा। मैम अभी देखा इसीलिए मैम अभी देखा यस मैम यस मैम सबसे पहले कैश अकाउंट में देखो कैश डेबिट में हम यहाँ लिख लेते हैं डेट वाइज 2001 सिक्स है तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं जनवरी डेबिट 6000 कैश अकाउंट बना रहे तो कैश कहाँ कहाँ पे पहले ही देख लेते डेबिट में है कैश सबसे पहले यहाँ डाल लेते ईयर जनवरी फर्स्ट टू में क्या आएगा सबसे पहले टू कैपिटल कैपिटल अकाउंट 60,000 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कैश कहाँ पे देखो कैश क्रेडिट साइड है जनवरी वन में ही है बताती रहो वन जनवरी बाय फर्नीचर फर्स्ट जनवरी में है ना तू कैश किए थे तो दोनों इस साइड आ जाएगा बाय में क्या आएगा बाय फर्नीचर 1000 और बाय में क्या आ जाएगा
बाय टाइपराइटर 2000 ठीक है कितना कितना लिया हुआ है 1 or 2000 हमको कैश का अमाउंट नहीं लेना ठीक है उसके बाद क्या आएगा कैश और वहां पे सेकंड जनवरी में भी कैश है यहाँ लिख देते हैं सेकंड जनवरी बाय परचेज परचेज अकाउंट कितना लिया बाय परचेज अकाउंट 5000 यहाँ लिख देते हैं 5000 फिर नेक्स्ट कैश कहाँ पे देखो कैश डेबिट साइड है मतलब कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डेट क्या है 15 5 है ना 5 पे क्या 5 जनवरी कैश डेबिट में तो यहाँ पे 2 सेल्स आ जाएगा क्लियर है कितना दिया हुआ है कैश का अमाउंट देखो 5000 ठीक है उसके बाद कैश कहाँ पे है मैम टाइप राइटर का अमाउंट 2000 है ठीक है अब जा रहे हो नेक्स्ट कहां पे गए थे देखो जल्दी जल्दी बताओ क्लास खत्म होने वाली है 20 जनवरी में है टू सेल्स 5000 है ना 20 जनवरी में यस मैम कितना दिया हुआ है 5000 ये भी 5000 ही है उसके बाद कैसे वहां पे जल्दी बताओ बस नहीं है ना नो मैम ठीक है अब क्या करेंगे हम लोग इसको टोटल कर लेंगे जिधर कम अमाउंट रहता है उधर बैलेंस निकल जाएगा कैसे निकालते हैं इसको टोटल करो ये 3000 3 और 5 8000 है मतलब यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है 1 करेंगे जो हमारा किससे रिलेटेड है सब्सिडी बुक किससे रिलेटेड है जन कैश बुक जिसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शन होते हैं ठीक है क्लियर है सभी को क्लियर है जनरल और लेजर में कोई डाउट है किसी को नो मैम नहीं है ना बन जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश बुक प्रैक्टिस करेंगे तो इसके कॉलम को याद करके रखोगे कि हमारे कैश बुक में कितने कॉलम बनते हैं इसके टाइप्स कितने हैं टाइप ऑफ कैश बुक ठीक है टाइप ऑफ कैश बुक कितने कॉलम है कितने बुक्स क्रिएट होते हैं हमारे कैश बुक में बताओ कैश बुक में कितने अकाउंट बनते हैं कौन कौन से अकाउंट बनते हैं बताओ थ्री टाइप ऑफ अकाउंट कैश बुक थ्री टाइप ऑफ कैश बुक सिंपल कैश बुक टू कॉलम कैश बुक थ्री कॉलम कैश बुक देन लास्ट में कौन आता है आपका पेटी कैश है ना पेटी कैश में कौन सा काम यूज करते हैं पेटी कैश में चिल्लर जितने चिल्लर है ठीक है और सिंपल कैश बुक का कॉलम कितना होता है कौन बताएगा सिंपल कैश बुक में कॉलम कितने होते हैं 10 कॉलम होते हैं 10 कॉलम होते हैं उसके बाद ठीक है टू कॉलम कैश बुक में 12 थ्री कॉलम कैश बुक 14
14. गुड. पार्टी कैसे हो? उसका डिफरेंट होता है, एनालिटिकल और. ठीक है, चलिए क्लास ओवर करते हैं. यहाँ पे टाइम इज आउट हो चुका है. मैं इतना जल्दी 40 मिनट्स ही लेता है ना जूम क्लास तो. अच्छा हाँ ठीक है, 40 मिनट्स के बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा. ठीक है मैम. ठीक है, तो जनरल और लेजर कंप्लीट हो चुके हैं. मैम होमवर्क नहीं दिया ना आज? हाँ होमवर्क नहीं मिला ना आज? होमवर्क है ना, सिंपल कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक के कॉलम को याद कर लेना. अच्छा, और फिर इसके रूल्स रेगुलेशन याद कर लेना कि इसमें हम क्या क्या ट्रांजेक्शन करते हैं और क्या नहीं करते. और होमवर्क तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी, देख लेना. ठीक है, क्या बनाना है. यस मैम. चलो ओके.